प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात एक ऐसा ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया में चौतरफा हलचल मच गई। पीएम ने ट्विटर के जरिए ऐसा ऐलान किया कि जिसने सुना वो हैरान हो गया। दरअसल पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए लिखा कि वह सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से विदाई लेने के बारे में सोच रहे हैं, जिसने यूजर्स और फॉलोअर्स को चौंका दिया और ट्विटर पर इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस भी आने लगे। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा और कहा, नफरत छोड़े, सोशल मीडिया नहीं। जिसके बाद ट्विटर पर ही सियासी वॉर शुरू हो गया। अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सस्पेंस से पर्दा हटा दिया है जिसमें उनके सोशल मीडिया को छोड़ने की बातें चल रही थी। मंगलवार को पीएम ने ट्वीट किया कि इस महिला दिवस मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंपूंगा जिनके जीवन और काम ने हमें प्रेरित किया है। ये उन्हें लाखों को प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैंपेन के तहत कुछ चुनी हुई महिलाओं को सोशल मीडिया अकाउंट संभालने का मौका मिलेगा। इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई भी महिला संभालेगी और महिला दिवस के दिन पूरा संचालन वही करेंगी। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि #SheInspireUs के साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पर अपनी कहानी बताकर आप इस कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं।